क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सरसाइज नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, ए ट्रेन टेक्स 5 आवर्स। ए ट्रेन, ट्रेन का मतलब पता है, रेलगाड़ी कभी देखी है? Yes. सबने देखी है ना? Yes. टेक्स वो लेती है 5 आवर्स, कितने घंटे? 5 घंटे, ठीक है। एड 56 मिनट्स, कितने मिनट्स? 56 मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर, मुल्तान से लाहौर आने में इतना टाइम लेती है। ट्रेवल का मतलब सफर करना। एंड, अब दूसरी चीज बता रहे हैं, एंड के बाद दूसरी बात शुरू होगी। 6 आवर्स, ये किसके लिए है? मुल्तान से लाहौर के लिए है, मुल्तान से लाहौर के लिए है। एंड 6 आवर्स एंड 22 मिनट्स, 6 घंटे और 22 मिनट टू ट्रेवल फ्रॉम लाहौर टू रावलपिंडी, मुल्तान से लाहौर आई, लाहौर से रावलपिंडी, और कितना टाइम लिया? 6 आवर्स एंड 22 मिनट्स। क्लियर हो गया? हाउ मच टाइम डज इट टेक, हाउ मच टाइम, कितना वक्त डज इट टेक वो लेती है, कौन? ट्रेन, टू ट्रेवल फ्रॉम मुल्तान टू रावलपिंडी। क्या हुआ? ये भाई मुल्तान है, एम से मुल्तान, वहां से ट्रेन कहां पे आ गई? लाहौर आ गई। बात समझ आ रही है? लाहौर से कहां आएगी? रावलपिंडी। आर से रावलपिंडी। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये रास्ता मुल्तान से लाहौर का रास्ता जो रेल ने या गाड़ी ने, ट्रेन ने तय किया, वो 5 आवर्स एंड 56 मिनट्स है। यहाँ पे कितना लगा? 5 आवर्स एंड 56 मिनट्स। क्लियर हो गया? Yes. और ये जो दूसरा रास्ता है इसके ऊपर 6 आवर्स और 22 मिनट्स। क्लियर हो गया? अब वो कह रहा भाई मुल्तान से चलकर यहां तक रावलपिंडी जाने तक टोटल कितना टाइम लगा? अब बात समझ आ रही है? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम मुल्तान टू रावलपिंडी, मतलब अब हम इन दोनों टाइम्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, बस आंसर आ जाएगा। चले आगे। सो क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्यूशन, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए जरा मुझे जल्दी से। जो हमारे पास पहला टाइम है 5 आवर्स एंड 56 मिनट्स, क्योंकि ऐड करना है ना, सब्ट्रैक्ट तो नहीं करना, जिसको मर्जी पहले लिख लो, 5 आवर्स एंड 56 मिनट्स प्लस 6 आवर्स एंड 22 मिनट्स, 6 आवर्स एंड 22 मिनट्स। प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? चलो भाइयों ऐड करते हैं, 6 प्लस 2 कितना हुआ? 8। क्लियर हुआ? अब गौर से सुनना, मिनट्स, मिनट्स में आ रहे हैं, मिनट्स में, मिनट से आवर्स में जाना, पहले माइंड बनाओ, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। पता चल गया, 6 से डिवाइड करेंगे, याद आया नहीं आया? हाँ, तो 5 प्लस 2 कितना हुआ? पक्का? ये 7 में यहाँ पे डालूंगा नहीं, आप सबको पता है, क्या करूंगा यहाँ पे? हाँ जी, पक्का? सबको क्लियर है? सोच लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास 7 आया है उसको मैं 6 से डिवाइड करूंगा, 6 1 10 6 माइनस किया, रिमाइंडर आया 1, ये 1 यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और ये जो क्वेश्चन आया 1, ये हम यहाँ से बारो करके यहाँ जाके ऐड करेंगे। प्रॉब्लम किसी को? अब ये आर नीचे आ जाएगा, और 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 कितना हुआ? 12 आवर्स एंड 18 मिनट्स लगेंगे ट्रेन को मुल्तान से रावलपिंडी आने तक। क्वेश्चन नंबर 4, गौर से सुनना, समझना, फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व होगा, घबराना नहीं, समझना असल चीज है। टू कंप्लीट वन इंग्लिश प्रोजेक्ट, इंग्लिश का कोई एक काम है वो पूरा करना है, ठीक हो गया। हमाद टेक्स 2 वीक्स, हमाद कितने वीक्स लेता है? 2 हफ्ते एंड 5 डेज, 2 हफ्ते और 5 दिन। एंड टू कंप्लीट ए मैथ प्रोजेक्ट, एंड टू कंप्लीट ए मैथ प्रोजेक्ट, मैथ का एक काम मुकम्मल करने के लिए इट टेक्स 1 वीक एंड 6 डेज। समझ आया नहीं? वैसे वैसे हमारी बुक के ऊपर तो ये जिन्होंने लिख दिया, चलो ठीक है, एक रियलिटी से रिलेटेड एक चीज है, मुझे जो चीज
मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूं बेटा, हमारा मैक्सिमम टाइम किस पे लगना चाहिए? मैथ पे। दुनिया का कोई बंदा भी जो अक्लमंद और बाशऊर बंदा होगा मेरी बात को डिनाई नहीं कर सकता। अगर कोई ये समझता है कि इंग्लिश पढ़ के तरक्की होती है तो वो क्या है, एक जेनी मरीज है बेचारा। और अगर कोई ये समझता है मैथ पढ़ के तरक्की होती है तो पुत्र जाओ, जितनी आपकी मशीन्स चल रही हैं, जितनी मशीन्स चल रही हैं, सब की सब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के मुताबिक चल रही हैं। उनकी डिजाइनिंग, उनकी प्रोसेसिंग, उनकी कोडिंग, सब कुछ किसके ऊपर है? मैथ के जरिए से। चाइना की मिसाल आपके सामने, अगर मेरे मुल्क में बैठ के ये कहते हैं ना अंग्रेजी पढ़ने से तरक्की होती है, तो जाओ जाके चाइना से पूछो, जाओ जाके जापान से पूछो, जाओ जाके जर्मन से पूछो, उन्होंने तरक्की कैसे कर ली। सो ये एक सिर्फ लैंग्वेज है। मैं ये नहीं कहता सीखनी नहीं चाहिए, जुबान आनी चाहिए, लेकिन उसको सवार कर लेना कि उसी में तरक्की है। किस बेवकूफ ने आपको कह दिया कि अंग्रेजी से तरक्की होती है? कौन सी मशीन अंग्रेजी से बनती है मुझे आप बताएं? कौन सी सड़क अंग्रेजी से बनती है? कौन सा मिसाइल अंग्रेजी से बनता है? कोई नहीं बनता। सिर्फ एक वे टू कम्युनिकेट है, बस एक मैं कहूंगा जरिया है कम्युनिकेशन का, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अंग्रेजी एक जरिया है दूसरे इंसानों से बातचीत करने का, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर कोई ये बात कहता है कि अंग्रेजी से ही तरक्की होती है तो वो एक ज़हनी गुलाम है, याद रखना। और उसकी मुंह बोलती जो एक मिसाल है वो चाइना आपके सामने, हमसे बाद में आजाद हुआ, अब किधर किधर वो चैलेंज कर रहा है, कैसी तरक्की कर ली उसने। वो अपने बच्चों को सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस करवाते हैं, मैथ पे ज्यादा वक्त उनके बच्चे लगाते हैं। जापानीज मैक्सिमम टाइम मैथ पे लगाते हैं, समझ आया नहीं? मैथ प्लस कोडिंग। मैथ से फिजिक्स भी आ जाएगी, केमिस्ट्री भी आ जाएगी, कोडिंग भी आ जाएगी। मैथ के टोटल तीन स्ट्रक्चर्स आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कोडिंग में यूज होते हैं, ठीक है? अगर पूछना हुआ तो नीचे कमेंट करो, मैं बता दूंगा कौन से तीन स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। और भी एक मैथमेटिशियन ने दिए थे कि ये तीन स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। और कंप्यूटर की डेवलपमेंट का जो बेसिक एम था वो ये था कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जल्दी निकालना, और कुछ नहीं था। जो आपकी मशीनरी है सारी की सारी किस पे खड़ी हुई है? आज आपकी साइबर सिक्योरिटी सारी की सारी क्रिप्टोग्राफी से आप इंक्रिप्शन कर रहे हैं, और उसके पीछे कौन पड़े हैं? आपके प्राइम नंबर्स पड़े हुए हैं। सारी क्रिप्टोग्राफी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मैथ की ब्रांच है क्रिप्टोग्राफी। सो देयरफॉर ये जो हमारे साहब दो हफ्ते ले रहे हैं ना अंग्रेजी पे मेहनत करने के, भाई सादा से सीख लो ताकि दूसरे से बातचीत कर सको, बस। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? लिखा हुआ पढ़ सको, जो लिखा हुआ उसको समझ सको, बस ये लिखा हुआ है। इससे ज्यादा इसको सर पे सवार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सवार करना मैथ को करो, सवार करना कोडिंग को करो, प्रोग्रामिंग को करो, लैंग्वेजेस सीखो, कंप्यूटर की जुबानें सीखो। ये जो है ना वो गोराबंदी या इंग्लिश पीपल की पैरवी और उनकी गुलामी, इससे बाद आ जाओ। जो सीखने की चीज है उस पर कंसंट्रेट करो जिससे कौमें तरक्की करती है। उधर हमारा कंसंट्रेशन ही कोई नहीं, उधर हमारा कोई कंसंट्रेशन ही नहीं है, कोई कंसर्न ही नहीं है। वो हम कहते हैं बच्चों को ये घर से करके ले आना, जैसे बच्चा सारा कुछ कर लेगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बच्चों को मैथ पहले करवाना पड़ता है, शुरू शुरू में बच्चों को स्पून फीडिंग करनी पड़ती है। जब बच्चों को बातें समझ आती हैं तो फिर अजूबे तैयार होते हैं, फिर वाकई मिरेकल्स होते हैं। इसलिए हम पहले कहते हैं बच्चों को, पुत्र करो जाना खलासे तो करके ले आना। भाई खलासे तो ही करना होता है, तेरे को लाने की जरूरत की सी? इसलिए क्या करना, आपने समझना चीजों को। मैं समझाऊंगा आपको, कोई नहीं समझाता मुझे, बताओ मैं समझाऊंगा भाई मैथ, मैं आपको समझाऊंगा बेसिक लेवल पे, ठीक है? आगे पुत्र मुझे पता आपने खुद कर लेना है जो। तो चौथा सवाल है हमारा, टू कंप्लीट वन इंग्लिश प्रोजेक्ट, इंग्लिश का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हमाद टेक्स 2 वीक्स एंड 5 डेज, ठीक है? 2 हफ्ते लगे, 5 दिन लगे, ठीक है? And to complete mathematical project 1 week and 6 days, which project takes more time and how much? दो सवाल पूछे आपसे, किस प्रोजेक्ट में ज्यादा वक्त लगा? इंग्लिश मैथ? इंग्लिश में। और कितना ज्यादा लगा माइनस करके बता देंगे। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दी थी आपको कि मैंने उबैदुल्ला को 200 रुपए दे दिए और समीउल्लाह को 175 रुपए दे दिए, 175 रुपीज दे दिए। तो क्या होता है जब मैंने ये पता करना हो
कि उबैदुल्ला को कितने ज्यादा रुपीज दिए, तो आप क्या करते हैं 175 को 200 से माइनस कर लेंगे। यहाँ पे भी यही करना है। शुरू करें जी। तो इंग्लिश प्रोजेक्ट डेज किसके बराबर आएंगे जी? 2 weeks and 5 days। ये बड़ा इसलिए इसको ऊपर लिख रहा हूं, डेज को ऊपर लिख रहा हूं, मैं अंग्रेजी की वजह से ऊपर नहीं लिख रहा, इस बात को समझ लेना। मेरे बस में होता तो मैथ को ही ऊपर लिखता मैं, तो इंग्लिश में क्योंकि डेज ज्यादा आया, वैल्यू डेज की ज्यादा, इसलिए मैं उसको ऊपर लिख रहा हूँ। ये याद रखना, जब सब्ट्रैक्शन करनी होती है बड़ा नंबर ऊपर लिखते हैं, छोटा नंबर नीचे लिखते हैं। तो 2 weeks एंड 5 days। अच्छा सुनो तो सही ना, बात तो सुनो ना, आगे मैथ प्रोजेक्ट डेज, 1 week आएगा पुत्र, क्योंकि एक है सिंगल है ना, 1 week 6 days। प्रॉब्लम किसी को? अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखो बेटा 5 में से 6 तो, अब सब मुझे ये बताओ, जब मैं यहां से 1 बारो करूंगा, यहां 1 रह जाएगा, यहां वीक का 1 डेज के लिए कितने का काम करेगा? 7 का। 1 week बराबर होता है 7 days के, सो देयरफोर हम यहां पे 7 ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगा 7 + 5 = 12। 12 में से 6 निकालो, वहां से कितना आ गया 6 days। क्लियर है? उसके बाद यहां पे वीक्स आएंगे, 1 में से 1 क्या से क्या आ गया 0। तो 0 weeks डालने की कोई जरूरत नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं। एंड दिस इज मोर टाइम फॉर इंग्लिश प्रोजेक्ट। बस इंग्लिश में कब से प्रोजेक्ट होना शुरू हो गए? प्रोजेक्ट तो वो होता है जिनसे कोई न्यू इनोवेशन हो रही हो, कोई बेहतरी आ रही हो, कोई माहौल में चेंज आ रहा हो, लोगों के लिए आसानियां पैदा हो रही हो, तो प्रोजेक्ट्स मैथ में होते हैं। आप आई डोंट नो व्हाई बट मैंने कैलकुलेशंस कर दी हैं। जो तरीका कार था समझ आ गया नहीं आ गया, मकसूद क्या था आपको कैलकुलेशन समझाना। आगे चलते हैं। पांचवा सवाल, कौन सा सवाल? पांचवा सवाल, कमाल्स एज इज 10 years and 5 months। कमाल की एज कितनी है? 10 साल 5 महीने। एंड हिज फ्रेंड्स एज, और उसके दोस्त की जो उम्र है, इज 11 years and 8 months। बात समझ आई नहीं आई? कमाल की उम्र कितनी है? 10 साल 5 महीने। उसके दोस्त की उम्र कितनी है? 11 साल 8 महीने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी एजेस? बताओ एज किसकी ज्यादा है, फ्रेंड की या कमाल की? बस जी, फ्रेंड की एज ऊपर, डिफरेंस का मतलब माइनस करना। क्वेश्चन नंबर कितना जी? क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन जल्दी से बताएं। फ्रेंड्स, अब मैं फ्रेंड्स ही लिखूंगा ना, एज कितनी है? 11 years 8 months। 11 years 8 months। कमाल्स एज कितनी है जी? 10 years 5 months। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? यहां सिर्फ लिखेंगे डिफरेंस ऑफ एजेस, बस। सुनो, 8 में से 5 माइनस करें, आंसर कितना आता है? 3 months। ईयर्स एज इट इज आ जाएगा। 1 में से 0 का आंसर कितना आ गया? 1। और 1 में से 1 का आंसर कितना आ गया? 0। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इन इन मंथ्स? मेरी बात समझ नहीं आ रही। हमने डिफरेंस निकाल लिया, सवाल को दोबारा पढ़ लेते हैं ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इन मंथ्स? किसमें? तो भाई जो ईयर्स है उनको किसमें चेंज कर दो? हमने आंसर मंथ्स में निकालना है, तो हम मंथ्स में निकालेंगे।
सुन रहे हो? अब क्योंकि हमें जो पूछा गया है कि आंसर किस में निकालना है, मंथ्स में, फलिहादा आप सबको पता होगा कि जो वन ईयर होता है वो कितने मंथ्स के बराबर होता है। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइड विद 12 मंथ्स लिखूंगा, ठीक है, और प्लस 3 मंथ्स मैं साथ डाल दूंगा। क्लियरिंग द रीजन हियर, बिकॉज वन ईयर बराबर होता है किसके, 12 मंथ्स के। सो हमने यहाँ पे 12 डाला। अब यहाँ पे क्या, 12 मंथ्स, ठीक है जी, प्लस 3 मंथ्स। प्रॉब्लम है किसी को? टोटल कितने हो गए? 15 मंथ्स। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। उमर टेक्स 3 hours and 12 minutes टू कंप्लीट द मैथ होमवर्क। उमर ने क्या किया, 3 hours and 12 minutes लगाए कंप्लीट करने के लिए मैथ का होमवर्क, ठीक है, एंड 1 hour and 50 minutes। अब दिल खुश हुआ है सवाल पे, 1 hour and 50 minutes लगाए किसके ऊपर, इंग्लिश के होमवर्क पे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब करना क्या है, इसमें जो 6th क्वेश्चन है उसका जो पहला पार्ट है वो ये है कि हाउ मच टाइम डज ही टेक टू कंप्लीट द बोथ टास्क इन मिनट्स, इन मिनट्स में पता करना है। सवाल को समझ लो, पहली बात तो ये कितना टाइम लगा है दोनों काम करने में, और वो किस में फाइंड करना है, मिनट्स में। तो पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर ए मैथ टाइम, ठीक हो गया, कितना जी मैथ का टाइम, 3 hours and 12 minutes एंड 12 मिनट्स। इंग्लिश का टाइम कितना जी, 1 hour and 50 minutes, ठीक है, यहां 1 लिखा, आर एंड 50 मिनट्स। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर है? टोटल टाइम निकालना मिनट्स में, ऐड करते हैं इन दोनों को। देखें जी, 2 + 0 यहां मिनट डाल देंगे, साथ 2 आ जाएगा, 5 + 1 = 6 6 यहां पे डायरेक्ट नहीं डालेंगे, क्या करेंगे, 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 × 1 = 6 रिमाइंडर 0 आ गया, ये रिमाइंडर यहां पे आएगा और ये जो क्वेश्चन था ये यहां पे हम ऐड करेंगे। क्लियर हुआ? 3 + 1 = 4 4 + 1 = 5 आवर्स। क्लियर हो गया? दिस इज द टोटल टाइम, कितना? आगे चल बेटा, ये मिनट्स में निकालना है। अब बिकॉज वी नो दैट कि हमारे पास जो 1 hour होता है वो किसमें, किस कितने मिनट्स के बराबर होता है, मिनट्स के बराबर होता है। तो 5 एज इट इज लिखा मल्टीप्लाई 60 मिनट्स लिखा प्लस 2 मिनट्स आ रहा हूं, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं जो लेफ्ट साइड पे है। आगे चले तो 5 6 का क्या होता है, 30 साथ 0 डाल दो, 300 मिनट्स प्लस 2 मिनट्स, टोटल आंसर क्या आ गया, 302 मिनट्स। प्रॉब्लम किसी को? दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया? ए पार्ट का ये आंसर है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड पार्ट नंबर बी एंड दिस इज द लास्ट पार्ट। इन विच सब्जेक्ट Does he spend more time and how much? Minus करना, सीधी सीधी बात है, किसमें ज्यादा वक्त लगाया उसने, मैथ में। खुशी हो रही है, दिल बाग बाग हो गया मेरा, ठीक है, और कितना ज्यादा लगाया वो माइनस करके हम लोग पता कर लेंगे। सुन रहे हो? इन विच सब्जेक्ट डज ही स्पेंड मोर टाइम एंड हाउ मच, दो सवाल पूछे हैं। तो मोर टाइम उसने स्पेंड किया मैथ में और कितना किया माइनस करके पता कर लेंगे। प्रॉब्लम है किसी को? सो मैथ टाइम और तो कुछ नहीं कहा ना, मिनट्स में तो नहीं पूछा ना, हम फाइंड करेंगे। मैथ टाइम कितना जी, 3 hours and 12 minutes ऐसा ही है, 3 hours and 12 minutes और इंग्लिश जो टाइम है वो कितना, 1 hour and 50 minutes। जीरो लगाया, 5 लगाया और मिनट्स लगाया। अब हमने ये पता करना है किसको ज्यादा टाइम दे, पता हमें पहले या मैथ को, माइनस करेंगे और मोर
टाइम लिख दिया ना कि मोर टाइम किसको दिया, मैथ को, फॉर मैथ। आगे चले, मिनट्स अपनी जगह पे आ जाएंगे। टू में से जीरो गया, टू वन में से फाइव नहीं जा सकता। वन आर यहां से बारो करेंगे, पीछे टू रह जाएगा और इधर का वन इसके लिए सिक्स का काम करेगा। सिक्स प्लस वन सेवन, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो सेवन में से फाइव माइनस कर दे, आंसर क्या आता है? पर अगर कोई पूछ ले कि ये कैसे सिक्स हुआ, तो मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, बिकॉज वन आर बराबर होता है 60 मिनट्स के। अब क्योंकि ये टेंथ प्लेस है तो भले लिहाजा हम इस जीरो को उड़ाएंगे, सिक्स ऐड करेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये टेंथ था ना, वैसे तो 70 बन जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑन द प्लेस 10, सो देयरफॉर हम यहां पे 7 डालेंगे। 7 में से 5 का आंसर कितना आ गया? 7 में से 5 का आंसर कितना आ गया? 2। और एज इट इज नीचे आ जाएंगे, 2 में से 1 गया 1। 1 आवर एंड 22 मिनट्स ज्यादा दिए हैं मैथ को। क्लियर है? यही आंसर है। इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।